हेलो क्लास सिक्स. ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि हमारी होल नंबर की सेकेंड प्रॉपर्टी है, विच इज़ क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी. अब क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी सजेस्ट दैट कि दो होल नंबर हैं ए एंड बी. ओके, और इसका अगर हम उल्टा करें किसी भी सम में या किसी भी कैलकुलेशन में, तो उन दोनों का आंसर सेम आएगा. ए एक होल नंबर है, बी एक होल नंबर है, वही बी एक होल नंबर है और ए एक होल नंबर है. बस यहाँ पे इनके साइंस डिफरेंट हो गए. एक बार हम प्लस करके देखेंगे, अगर इन दोनों का आंसर सेम आता है तो मतलब क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सफाइस करती है. अगर आंसर नहीं आता तो उस स्पेसिफिक कैलकुलेशन में वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी सफाइस नहीं करती. ओके, यहाँ पे हम ए लेके चलते हैं 8 एंड बी लेके चलते हैं 4. ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द क्यूमुलेटिव प्रोसेस. ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब ए इज इक्वल टू 8 एंड बी इज इक्वल टू 4. 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 इज 12 एंड 4 प्लस 8 इज ऑल्सो 12. तो दोनों का आंसर सेम आया, तो प्लस वाली कैलकुलेशन में क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी सफाइस करती है. अगर यही चीज हम माइनस में करें, 8 माइनस 4 एंड 4 माइनस 8, 8 माइनस 4 इज 4 एंड 4 माइनस 8 इज माइनस 4, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं हुए, तो यहाँ पे ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी माइनस में सफाइस नहीं करती. कमिंग टू मल्टीप्लीकेशन, 8 इंटू 4 या फिर 4 इंटू 8, 8 फोर ज़ा 32 एंड 4 8 ज़ा 32, यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी सफाइस करती है क्योंकि 32 इज इक्वल टू 32, सेम आंसर आ रहा है. इसका मतलब है हम किसी भी नंबर की सीरीज अगर इंटरचेंज करें तो अगर उसमें आपका आंसर सेम आता है तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी सफाइस करेगी. डिवीजन में करके देखते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 4 और 4 डिवाइडेड बाय 8, 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2 एंड 4 डिवाइडेड बाय 8 इज 1/2, विच इज नॉट इक्वल. 2 एंड 1/2 आर नॉट इक्वल. तो यहाँ पे आपकी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी सफाइस नहीं करती. क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली किसी भी दो नंबर को अलग अलग पोजीशंस पे रख के कैलकुलेशन करी जाती है. ए को पहले आगे रखा, बी को बाद में, यहाँ पे बी को आगे रखा और ए को बाद में. तो प्लस में तो ये दोनों सफाइस कर गई प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन में, बट माइनस और डिविजन में ये सफाइस नहीं करती. तो इससे पता चलता है कि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ओनली सफाइस इन प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन. तो हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली, क्लोजर प्रॉपर्टीज एंड क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज. दोनों में हमने देखा कि वो प्लस में एंड मल्टीप्लीकेशन की कैलकुलेशन में सफाइस कर रही हैं और माइनस और डिविजन में सफाइस नहीं कर पा रही हैं. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके क्लास.